बीजेपी नेता और प्रदेश औद्योगिक विकास के उपाध्यक्ष राम कुमार ने हरोली में कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राम कुमार ने कहा कि हरोली के विकास के लिए विधायक प्राथमिकता के तहत सूची सरकार को सौंपनी होती है, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने अभी 2018-19 के लिए वह सूची नहीं सौंपी है, जिससे हरोली का विकास पिछड़ रहा है। राम कुमार ने मुकेश अग्निहोत्री को चेतावनी दी है कि अगर आगे भी विधायक का यही रवैया रहा तो वह हरोली की जनता को साथ लेकर मुकेश अग्निहोत्री का घेराव करेंगे, क्योंकि हरोली में विकास के लिए वह हर मंच पर आवाज को उठाएंगे। राम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा है और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मुकेश अग्निहोत्री के पास हरोली के लिए समय नहीं है, अब उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश स्तर पर राजनीतिक चमकाने के चक्कर में हरोली को नजरअंदाज कर चुके हैं। उनके लिए सरकार को कोसना और कांग्रेस के बड़े पद का लाभ लेने का ही काम रह गया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक रहते हरोली की जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। कल बहुत ही ऐतिहासिक दिन था हिमाचल प्रदेश के लिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर कल धर्मशाला आए थे और हिमाचल के लोगों ने दिल खोलकर वहां उनका स्वागत भी किया और उनका आभार प्रकट किया कि जिस प्रकार से हजारों करोड़ की सहायता हिमाचल प्रदेश को पिछले एक साल में दी गई है। 21,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 70,000-72,000 करोड़ तक हिमाचल को अनुदान केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता आई है, तो अपने आप में ये ऐतिहासिक है। वहां प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश सरकार की एक साल के कार्यकाल की खुलकर तारीफ की है, उसको बड़ा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उन्होंने बताया है। तो प्रदेश सरकार में सारे लोग आ जाते हैं। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया था, मुख्यमंत्री जी का बार बार जिक्र किया, सारे मंत्रिपरिषद की बात वहां हुई थी। कल कुछ स्थितियां ऐसी थी, एक तो पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था, आपको पता है 3 तलाक का मुद्दा था, वो खाना भी खाकर नहीं गए। उन्होंने बोला कि खाने का स्वाद जरा बात करके ही चख लेते हैं, तो अदरवाइज ऐसा तो था, सबका वहां पे मान सम्मान हुआ है। और प्रधानमंत्री का तो हिमाचल के वो तो बड़े लीडर, तो क्या वो तो एक हमारे ब्लॉक के लीडर तक को बाई नेम वो जानते पहचानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के साथ हमें औपचारिकताओं में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बड़ा विपक्ष से इस मामले को अब जो मुद्दा बना रहा है, मंच से बड़े लोगों का नाम नहीं लेना, तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष की बात करने आया हूं। आपने तो ये प्रश्न कर दिया, मैंने उसका जवाब दिया है। एक साल सरकार का पूरा हो गया, सरकार को जो करना था उससे ज्यादा सरकार ने किया है, और एक साल में जितने काम इस जयराम सरकार ने किए हैं शायद ही किसी एक साल में इतने कार्य हुए होंगे। अब मैं बात करूंगा उस विपक्ष की, जो विपक्ष ये कह रहा है कि एक साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सरकार को केंद्र ने कुछ नहीं दिया। तो लगभग 10,000 करोड़ की सहायता केंद्र से आ गई है एक साल में। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कितनी ऐसी योजनाएं कल्याणकारी शुरू की हैं, वो विपक्ष के ध्यान में होनी चाहिए। रही बात विपक्ष की, विपक्ष के जो नेता हैं, बेशक उनको मुख्यमंत्री ने विशेष कृपा करके बनाया है, उन्होंने खूब मेहनत की थी बनने के लिए, इधर उधर काफी वो भागदौड़ की थी, चौकियां भरी थी, उनको बनाया है। लेकिन उसी विपक्ष के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, आप विधायक हैं हरोली विधानसभा क्षेत्र के, एक साल में आपने हरोली की विधानसभा के लिए क्या किया है? विधायक की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, और शायद हिमाचल का ये इकलौता विधायक हुआ, बाकियों का मुझे पता नहीं है। ये ऐसा विधायक है जिसने एक साल में 2018-19 की जो प्राथमिकताएं अलग अलग विभाग की होती हैं, मुकेश अग्निहोत्री ने एक साल में वो प्राथमिकताएं नहीं दी है, हरोली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। हरोली की जनता ने तो चौथी बार आपको मौका दिया है, लेकिन आपका जो फर्ज हरोली की जनता के लिए बनता था आपने वो फर्ज नहीं निभाया है, आपने हरोली के लोगों के हितों पर डाका डाला है, विश्वासघात किया है। 2018-19 की आप किसी भी प्लानिंग की बुक को चेक कर सकते हैं, मुकेश अग्निहोत्री से पूछ सकते हैं, विभाग के अधिकारियों से बात कर सकते हैं कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग में मुकेश अग्निहोत्री ने 2018-2019 की कोई प्राथमिकता दी है? वो साल खत्म हो गया है, तो मैं कुछ एक साल बीत गया, मैं एक ही साल की बात इसलिए कर रहा हूं, और मैं मुकेश अग्निहोत्री को ये बताना चाहता हूं कि ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपने ये सोचा कि हरोली के लिए मैं प्राथमिकता नहीं दूंगा, विकास हरोली का नहीं होगा, पैसा नहीं आऊंगा, लेकिन मैं विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, समस्त हरोली की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दो बार वो हरोली आए, दोनों बार सैकड़ों करोड़ों रुपयों का तोहफा वो हरोली को देके गए हैं। बेशक आपने कोई प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने हरोली को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए, चाहे पीडब्ल्यूडी का काम हो चाहे आईपीएच का काम हो, आप देख सकते हैं काम शुरू हो गए हैं, करोड़ों रुपयों की घोषणा ही नहीं हुई है, काम शुरू हो गया है। तो ये मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए, एक इसलिए धन्यवाद करना चाहिए, आप संवैधानिक रूप से पात्र नहीं थे, आपको
उन्होंने नेता विपक्ष का दर्जा दिया है। दूसरा, आपने तो हरोली की जनता के लिए कुछ मांगा भी नहीं, आपने तो प्राथमिकता भी नहीं दी, लेकिन फिर भी हरोली की जनता के आग्रह पर, हरोली मंडल के आग्रह पर मैंने भी निवेदन किया था मुख्यमंत्री ने, तो आप कई गुणा जो एक प्राथमिकता विधायक की बनती उससे कई गुणा हरोली को दिया है, लेकिन आपका जो फर्ज बनता था, आपकी हरोली की जनता के प्रति जवाब दी थी। मैं हरोली की जनता की तरफ से आपसे प्रश्न करता हूं, आप मीडिया के सारे लोग हैं, आप पूछिए मुकेश अग्निहोत्री से कि भाई आपने 18-19 की प्राथमिकता क्यों नहीं दिया, कि मंशा क्या थी? आपको ये लगता था कि मैं प्राथमिकता नहीं दूंगा, हरोली का विकास रुक जाएगा? मैं मुकेश अग्निहोत्री से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि ठीक है आपने 18-19 कोई षड्यंत्रकारी सोच के चलते आपने प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन मेरे ध्यान में आ गया था आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, मुख्यमंत्री से विशेष मदद हरोली की जनता की है। लेकिन मैं आपको ये आग्रह आपको ये मैं आगाह करता हूं और प्रदेश हरोली की जनता की तरफ से ये विधायक को भी चेतावनी है कि इस बार 2019-20 में अगर आपने कोई प्राथमिकता नहीं दी, आपने हरोली के लोगों के हितों के रक्षा के लिए जो एक विधायक का दायित्व बनता है उसको नहीं निभाया, तो हरोली की जनता के साथ मैं और मेरी पूरी पार्टी आपका घेराव करेगी अगर 19-20 की आपने प्राथमिकता नहीं दी।